ये वाक्या हजारों दफा सुना चुका हूँ। हर दफा ही ऐसे रोने बैठ जाता हूँ कि फिर मैं वहां नहीं खड़ा होता, फिर मैं वहां अबवा पहुंच जाता हूँ। मैं देखता हूँ 6 साल की उम्र में मेरे नबी को अल्लाह ने यहाँ इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि जंगल में माँ को मौत दे दी। 25 साल की उम्र में माँ मर गई, अचानक मर गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, जिसको आज हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। इतना आखिरी जुमला कहा, कुल्लु हय्यन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व कद वलदत तुहरा, बोला नहीं जा रहा था तो बुझते बुझते भड़कती शमा ने कहा, बेटा हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, लगता है तेरी माँ का आखिर आ चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चा जाना है जो सारे आलम को पाक कर देगा। और शमा खामोश होगी। किस तरह उन्हें दफन किया, मैं वहां खड़ा यही सोचता रहा कि यहां कब्र बनाई कैसे होगी, तो पत्थर हैं, कोई लोग गुजरे होंगे या पत्थर जोड़ के। जब उम्मे ऐमन नौकरानी साथ है, वो उनको लेकर नीचे उतरी, ऊंटनी के करीब पहुंची तो आपने हाथ छुड़ाया और फिर भागे, पहाड़ी पे चढ़ गए। उम्मे ऐमन पीछे गई तो वो मंजर था कि शायद उस वक्त अर्श भी रो रहा होगा। अल्लाह के नबी ने मां की कब्र को चिमटाया होता सीने के साथ, कब्र पे ऐसे गिरे पड़े। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो वो नौहा कह रहे थे कि पत्थर भी पिघल रहे थे कि मां जी आपको तो पता था, आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के क्यों चले, आप मुझे छोड़ के कहां चले। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, इनकार कर देगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं मां को छोड़ के जाता, खींच के ले गई। घिसटता हुआ बच्चा पहाड़ से उतारा, 2 दिन रोते रोते मक्के का सफर है, फिर खाना भी बंद हो गया, पीना भी बंद हो गया, सिवाय जमजम के चंद घूंट पानी के, सारा दिन न खाते थे न पीते थे, अकेले बैठे रहते, न माँ न बाप न भाई न बहन। अल्लाह, 57 साल के बाद मां की कब्र पर पहुंचे और कब्र के सरहाने आकर बैठे, गोडे ऊपर उठाए और हाथ यहां रखे और सर गोडों में दिए, जैसे छोटे बच्चे रोने की पोजीशन बनाते हैं। ये छोटी जगह मैं दिखा नहीं सकता, और फिर जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि सारी दाढ़ी सारा सीना आंसुओं से भर गया, जैसे कोई मासूम बच्चा, जैसे 6 साल का मोहम्मद रो रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना रोए कि वजूद हिल गया। अब फिर फरमाया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रात यहीं रहूंगा। तुम क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं, तुम्हें सिर्फ पौंड गिनने आते हैं, तुमसे मुराद मैं भी और सारे भी। नाराज ना हो जाओ, सारी उम्मत का यही हाल। रात वहां गुजारी, हाय क्या कह रहे हैं, काश मेरी मां कभी होती, मैं ऐसी खिदमत करता कि ब्रेडफोर्ड वाले भी याद करते हैं, मैं ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और फिर इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बई कम्मा जी, माँ जी हाजिर हूं, माँ जी हाजिर हूं। खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा।